हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और टेडी बेयर का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए, मैंने छोटा सा टेडी बेयर बनाया है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए और पैटर्न आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके, फ्री है वहाँ से, बिल्कुल डाउनलोड करके प्रिंट लेके कटिंग करके यूज़ कीजिए। और इस तरह का टेडी बेयर मैंने अपने चैनल में पहले भी बहुत सारे टेडी बेयर्स आपको सिखाए हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं अलग अलग पैटर्न्स के आपको सिखाऊंगी, तो इसका भी डिफरेंट पैटर्न है। तो आज मैं इस तरह का पैटर्न बना रही हूँ, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा ही लगेगा। चलिए शुरू करते हैं छोटा सा टेडी बेयर बनाना। देखिए, मटेरियल जो इसमें मैंने दो कलर का बनाया है, एक पीच कलर का, ये शॉर्ट फर है, मैं फर से बनाया हुआ है, ये शॉर्ट फर है, दोनों ही शॉर्ट फर है। तो एक मैंने मैरून कलर यूज़ किया हुआ है और पीच कलर यूज़ किया हुआ है। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मैंने छोटा, बहुत साइज़ मेरा छोटा है, इसी साइज़ का आपको पैटर्न भी मिल जाएगा, आप बड़ा छोटा उसको कर सकते हैं। ये जो पीच कलर का है, ये मैंने लिया है कोई 12 सेंटीमीटर ये, और 8 सेंटीमीटर करीब मेरा मैरून यूज़ हुआ है, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा टेडी की आइज़, नोज़ मैं इसमें इसी की बना रही हूँ कपड़े की ही, तो नोज़ इसमें ज़रूरत नहीं है, मैंने टेडी की आइज़ यूज़ की हुई है, तो ये टेडी की आइज़। बाकी कैंची हो गया आपका कट करने के लिए, पेन मार्किंग के लिए, और सुई धागा सिलने के लिए, तो ये मटेरियल है। और पॉलीफाइबर, फाइबर वूल कोई इसमें 100 ग्राम के करीब पॉलीफाइबर, तो ये मटेरियल हो गया। चलिए शुरू करते हैं। मार्किंग हो गई है, अब इसकी मार्किंग पे आप कटिंग करना शुरू कीजिए। तो इसको आपने इस तरह से काटना है, बिल्कुल नोक से, क्योंकि ये फर है तो इसको हम पूरे इस तरह से नहीं काटते हैं, इसको इस तरह से कैंची की नोक से काटते हैं, ताकि ऊपर का कपड़ा कटे, फर नहीं कटे। इस तरह से आपने इसकी पूरी, अब आप इन पीस, सारे पीसेस की कटिंग कर लीजिए। देखिए, कटिंग सारे पार्ट्स की कर दी है, अब पार्ट्स की कटिंग करने के बाद में हम इसको ज्वाइन करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसकी ईयर को ज्वाइन करते हैं। ईयर के ये 4 पीसेस आपने काटने थे, 2 रिवर्स करके, एक इस, दो इस तरह से और दो इस तरह से। इसमें मैंने 2 काटे हैं इस पीच कलर में, और 2 काटे हैं मैंने ये आपके जो मैरून कलर है या पर्पल कलर, जो भी कह लीजिए, 2 मैंने उसमें काटे हैं। तो इनको आपस में, आप पीच और मैरून को जो सीधा सीधा पार्ट है उनको आपस में मिलाइए, और इस तरह से, और आपने यहाँ से पूरा इस तरह से सिल लेना है। ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ेंगे, यहाँ से सिल लेंगे, तो दोनों ईयर्स आप रेडी कर लेंगे। सिलने के लिए ईयर्स को, क्योंकि ये फर है तो आपने ये ध्यान रखना है, फर को आपने अंदर की तरफ से ले जाना है। आप इसको मशीन से भी सिल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने फर अंदर ले जाके जैसे सिंपल मशीन से आप सिलते हैं, मशीन की वैसे सिल लीजिए। तो जो हाथ से सिलना चाहते हैं सुई से, तो वो इस तरह से सिलेंगे। देखिए, थोड़ा सा हाथ घुमा के और इस तरह से यहाँ से निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, साथ साथ में ये फर को थोड़ा सा, देखिए, सुई से ही अंदर अंदर डालना है, इस तरह से, और हाथ घुमा घुमा के आपने इसके साथ साथ में स्टिचेस निकालनी है, और इस तरह से आपने इसको सिलना है। देखिए, फर को अंदर करते जाइए और हाथ घुमा के और सिलते जाइए। देखिए, इस तरह से हमने ये ईयर सिल दिया है। चलिए, अब इसका बैक हेड है, इसको सिलते हैं। जो फर वाला पोर्शन है वो इकट्ठे रखिए आप, दोनों साथ में मिला के, और ये आपने 2 पीसेस काटने थे, 1 रिवर्स, एक इस तरह से पीच में काटा है। ये वाला पोर्शन आपने सिलना है, जो राउंड वाला ज्यादा वाला पोर्शन है उसको आपस में आपने सिलना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे आप, और यहां से आप पूरा इसको यहां तक सिल लेंगे।
इसके बाद आप इसका ये फ्रंट फेस सीते हैं। इसमें भी दो पीसेस काटने थे, ये भी एक दो पीसेस काटे हैं, एक इस तरह से एक रिवर्स करके। तो फर वाले पोर्शन दोनों साथ में रखेंगे और आपने यहाँ पर और यहाँ पर सिलना है आपस में, ये और ये वाला पोर्शन। और फ्रंट फेस में ये डार्ट्स हैं दो जगह, इनको भी आपने इस तरह से आपस में सिलना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जो ये डार्ट्स हैं, देखिए मैंने कट नहीं लगाया है इनमें, आपकी मर्जी आप कट लगाइए, क्योंकि बहुत छोटे थे तो कट लगाने की जरूरत नहीं। मैं इसी तरह से रख के इसको यहाँ पर सिल लूंगी, और आप चाहे तो कट लगा सकते हैं वी जैसे कि इसमें बना हुआ है। इस तरह से करके इनको आपस में सिल लेंगे और ये फ्रंट फेस आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम मजल पे आते हैं। देखिए मजल का जो है, इसमें भी दो पीसेस काटने थे, एक रिवर्स में। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने साथ में ही रहने दिया है, अलग से दो अलग नहीं काटे हैं। जैसे इसको रख के और इसके साथ में मैंने इस तरह से ये ज्वाइन करके ही काटा है यहाँ पर। देखिए यहाँ तक, यहाँ पोर्शन तक मैं निशान बना देती हूँ आपको कटिंग में। तो यहाँ से करके यहाँ तक आपने लेना है। तो ये डार्ट्स हैं दोनों, इनको तो आपस में सिलेंगे आप इस तरह से, ये डार्ट, ये वाला भी सिलेगा और ये वाला भी सिलेगा। उसके बाद जो ये नीचे का पोर्शन है, इसको आपने इस तरह से रख के आपस में सिल लेना है, इसको सिल के, और ये दो डार्ट्स भी सिल लीजिए। देखिए फेस के ये साइड फेस दोनों जुड़ गए हैं और मजल भी जैसे मैंने आपको बताया वैसे जुड़ गया है। अब मजल का जो ये जहाँ पर आपने ये सिलाई लगाई है, ये वाला पार्ट हम नीचे के साइड में रखेंगे, और जो ऊपर जहाँ से हमने इसको ज्वाइन करके काटा था, उस सेंटर के पोर्शन को इस फोरहेड की सेंटर वाली लाइन से ज्वाइन करते हुए, और जो ये नीचे की लाइन है, इसको फेस की इस नीचे वाली लाइन पर हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर सेंटर में ऊपर वाला मजल का पोर्शन जुड़ेगा, और नीचे वाले पोर्शन तक जो इसकी ये वाली लाइन है वो यहाँ तक आ जाएगी। तो इसको आपने इस तरह से पूरे राउंड में आप इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये पूरा जोड़ दिया है इस तरह से, ये इसका मंजिल बन गया है। अब इसको, इसमें हम फ्रंट फेस में इसके ईयर्स भी जोड़ देते हैं। तो ईयर्स को जोड़ने के लिए क्या करूंगी, जो ये मैंने दूसरे कलर का लगाया है, ब्राउन कलर का या रेड मैरून कलर का, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। देखिए इसको, ये जो सिलाई से सिलाई मिला है, इस तरह से पकड़ा मैंने और यहाँ पर मैंने इसको सिल दिया। इधर से ऊपर की तरफ मैं इसको सिलाई लगा दूंगी, ये बंद कर दूंगी। ये देखिए, अब इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। इस तरह से ये ईयर इसका आया है। अब इसको देखिए, अब इसको ईयर को इस पे फेस पे ज्वाइन करते हैं। तो ये इस तरह से आएगा, जैसे कि ये डार्ट है, डार्ट के साथ में हम इसको लगाएंगे, इस तरह से इसका ईयर आएगा। ये सीधा साइड है फेस का, इस तरह से। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेंगे उल्टी तरफ से, उल्टा करके, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको जोड़ देती हूँ, स्टिच लगा देती हूँ। ये देखिए, दोनों ईयर्स लगा दिए हैं। अब जो बैक हेड हमने जोड़ा था, इसको हम जोड़ देते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है, ये कोने वाला एक थोड़ा सा फ्लैट हिस्सा है, उसको नीचे रखेंगे। जो कोने वाला हिस्सा है, इसको यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर लाइन से जोड़ते हुए पूरा यहाँ तक ये जुड़ जाएगा आपका, और इसी तरह से दूसरा साइड भी आपका यहाँ तक हम जोड़ देंगे। ये देखिए, बैक हेड ज्वाइन हो गया है। अब हमारा इसका टैडी का फेस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी आइज़ लगा देते हैं। तो आइज़ जो सेंटर वाला निशान है, यहाँ से एक उंगल छोड़ के मैं निशान लगा देती हूँ। ये देखिए, इस जगह पे आपने आइज़ इसकी लगा देनी है। तो आइज़ के लिए हम छोटा सा कट लगाएंगे और आइज को डाल के उसकी वॉशर जो है बंद कर देंगे।
देखिए दो नॉइज लगा दी है। अब इसको आपने फेस को थोड़ा थोड़ा फाइबर लेके अब इसको आप फिल कर दीजिए। ये टेडी के हैंड्स हैं, ये फोर पीसेस काटने थे, टू रिवर्स, दो इस तरह से और दो इस तरह से रिवर्स करके, तो इनको भी आप इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे, फर और फर का पोर्शन जो है आपस में मिला के इस तरह से रख के, और उसको यहाँ पर छोटा सा पोर्शन छोड़ेंगे, बाकी आप इस तरह से आपस में पूरा सिल लेंगे। इधर छोटा सा पोर्शन हम छोड़ देंगे, यहाँ से आप पूरा इसको सिल लेंगे, छोटा सा पोर्शन छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये दोनों हैंड्स आप सिल लेंगे। टेडी का फुट सिलते हैं, ये भी चार पीसेस काटने थे आपको, दो रिवर्स, दो इस तरह से करके। तो इनको हम किस तरह से काटेंगे, सॉरी सिलेंगे, ये दो पोर्शन आपस में ज्वाइन करेंगे आप। देखिए इस तरह से सीधा सीधा फर वाला पोर्शन साथ में लेके, और इसको यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर छोटा सा जगह आप छोड़ेंगे, बाकी आप यहाँ से, और एक ये नीचे का पोर्शन भी आप छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने फुट पैड लगाना है, और यहाँ पर छोटा छोड़ देंगे जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ से आप इसको पूरा यहाँ तक सिल लेंगे, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला फुट आपका। उसके बाद में हम यहाँ पर इसके ये फुट पैड को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये लेग यहाँ से जोड़ दिया है, यहाँ पर खुला छोड़ा है, यहाँ से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका ये फुट पैड जोड़ लेते हैं, तो ये सीधा साइड है, उल्टा साइड, इस तरह से रख के, और पूरा इसको साइड साइड में आप देखिए पूरा यहाँ तक आएगा, इसको पूरा आप इस तरह से साइड में स्टिच कर लीजिए, उसके बाद इसको सीधा कर दीजिए। ये देखिए एक वाला मैंने जोड़ा है, और उसके बाद में इस तरह से आप इसका ये फुट ज्वाइन करके सीधा कर दीजिए। टेडी की बॉडी ज्वाइन करने के लिए ये इसकी फ्रंट बॉडी है, देखिए इनको दो पीसेस मैंने काटे हुए हैं, एक रिवर्स करके, एक इस तरह से और एक रिवर्स करके, फर और फर पोर्शन साथ में मिलाएंगे, और इसका यहाँ से आप इसको सिल लेंगे। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आप सिल लेंगे, यहाँ पर हम इसके बाद में हैंड्स लगाएंगे, तो ये वाला पोर्शन आप दोनों पीसेस को आपस में सिल लेंगे। इसी तरह से बैक है इसका, ये भी टू पीसेस काटने थे, वन रिवर्स करके, फर और फर को साथ में मिलाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर आप इसको सिल लेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने टेल लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद में हम टेल ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ से आप इसको पूरा यहाँ तक सिल लेंगे। फ्रंट बॉडी के टू पीसेस भी जोड़ दिए, बैक बॉडी के टू पीसेस भी आपस में जोड़ दिए हैं। अब इनको आप आपस में इस तरह से जोड़िए, इस तरह से रख के, और इधर जोड़ दीजिए, ऊपर का हिस्सा छोड़ दीजिए खुला, ये जो प्लेन वाला हिस्सा है इसको छोड़ दीजिए इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से आप स्टिच कर लीजिए। अब सारे पीसेस को आप फिल करना शुरू करेंगे, तो फुट है इसका, आर्म्स है, और हेड तो हमने कर ही दिया था, और बॉडी है, तो इनको इस तरह से आप कॉटन ले लेके फिल कर दीजिए। ये फिल करने के बाद में जो ये ओपनिंग्स हैं इनको आपने बंद करना है, अंदर से पहले एक निकालेंगे, क्योंकि गार्ड को जो सुई का है धागे का, उसको हमने अंदर रखना है। फिर यहाँ से आपने लिया, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमने जितनी भी पोर्शंस की ओपनिंग है उनको आपने, ये देखिए बिल्कुल बंद हो गया, इसी तरह से आपने ये बंद कर लेना है। देखिए सारे पीसेस को फिल करके इनकी जो खुला हुआ पोर्शन था वो बंद कर दिया है, इसको भी मैंने बंद कर दिया है, ये बॉडी का पोर्शन है, इसको भी, जैसे इसको इसको बंद किया फेस को, वैसे ही आपने इसको भी बंद करना है। आपने इसके इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, सिंपल सिलाई इधर से, देखिए इस तरह से मैंने इसको खींच दिया है सिल के,
और ये इस तरह से बंद हो गया है इसका। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम एक गांठ लगा के, अब ये जो फेस है इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से जोड़ना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो इसका टेल का पोर्शन है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा बाहर निशान लगा दिया था पीछे से, बैक साइड से, इसका टेल का पोर्शन है पीछे की तरफ रहेगा इस तरह से, और इस हेड को आपने इधर इस तरह से जॉइन करना है। तो इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे। ये देखिए इसका पूरा राउंड कर दिया है। अब इसके हैंड्स और फुट्स जोड़ते हैं। तो देखिए ये इधर इस तरह से जुड़ेगा, और दूसरा वाला इस साइड से। इस तरह से, और इसके बाद हैंड्स जोड़ेंगे हम यहाँ पर। इस तरह से ये देखिए इसके टांग जो है, लेग्स जोड़ दिए हैं, इसके हैंड्स भी जोड़ दिए हैं। बस आपने साइड साइड में सिलाई लगानी है इनके इस तरह से, जैसे हमने हेड जोड़ा था बॉडी के साथ में, ऐसे ही आपने इसके हैंड्स और लेग्स जोड़ने हैं। आप इसकी नोज़ जोड़ते हैं, ये नोज़ है इसकी, इसके ऊपर रखिए, और इसको भी साइड साइड से आपने सिल लेना है। सिर्फ एक जगह आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ से हम थोड़ा सा इसमें फाइबर फिल करेंगे। देखिए इस तरह से आपने इसको जोड़ देना है इसकी नोज़ को। ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ओपन छोड़ के यहाँ से थोड़ा सा फाइबर इसकी नोज़ में हम डाल देते हैं। थोड़ा सा ही डालना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं भरना है। ये देखिए अब इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे।
अब इसकी टेल जोड़ते हैं। तो टेल के लिए सबसे पहले इसको इस तरह से आप एक साइड साइड पे इसके किनारे पे सिलाई लगा लीजिए। इसमें थोड़ा सा फाइबर डाल लेते हैं। अब इसको यहाँ पीछे आप लगा दीजिए। चलिए अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर देते हैं। यहाँ से हम डालेंगे सुई और यहाँ आइस के पास निकालनी है हमने। और दूसरे साइड से नीचे देखिए हमारा छोटा सा टेडी बेयर बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप भी बनाइए इस तरह से मेरी वीडियो को फॉलो करके। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।